जाने माने प्रोड्यूसर, सम्माननीय प्रेम राय जी का जन्मदिन है और हम सारे लोग यहाँ पे, सारे कलाकार मुंबई से चल के पूना में इकट्ठा हुए हैं। इस खुशी के मौके पे इनके लिए दो शब्द बोलना चाहेंगे और दो लाइन बोलना चाहेंगे। एक गाने की लाइन कि बार बार दिन ये आए, और आगे आप लोग समझ सकते हैं कि आगे क्या लाइन होगी। और हैप्पी बर्थडे टू यू प्रेम भाई, आपको दिल से हम सारे कलाकारों की तरफ से, पूरी टीम yes, 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 हमारे बगल में मनोज मतलबी जी भी लिरिक्स राइटर बैठे हुए हैं, और जो उनकी हर एक फिल्मों में सुपरहिट सॉन्ग लिखते आ रहे हैं और आगे भी सैया सुपरस्टार भी जोरदार तैयारी में लगे हुए हैं हमारी तरफ से भी, और आप अपने तरफ से भी बोल दीजिए, जन्मदिन की बधाई बोल दीजिए। मैं मनोज मतलबी, हमारे तरफ से भी प्रेम जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। रंजीत जी, आप क्या बधाई दीजिएगा? मेरी तरफ से भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हितेश जी, आज बहुत लेट से आप पहुंचे हैं, कहाँ बिजी थे, क्या बधाई दीजिएगा? सबसे पहले लेट तो छोड़िए, सबसे पहले प्रेम भैया को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ तारी उन पे अपना हाथ हमेशा रखे रहे, आशीष बनाए रखे। आइए घुमरू जी, फिर वापस चलते हैं। घुमरू जी, यस सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रेम राय जी का जन्मदिन है। वो ये बताइए, आप सबसे ज्यादा आपका नाम आता है गाना बनाने में, म्यूजिक डायरेक्टर में। तो बहुत वल्गैरिटी रहती है उसके अंदर, लिरिक्स बहुत अश्लीलता होती है। एक ऐसा कोई वल्गर गाना आप जरा गा के हमको बता दीजिए कि कौन सा गाना आपको याद है, हमके फिल्म प्रोडक्शन और मैंने बनाया है। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कह रहा हूँ। मैं पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेवारी ले रहा हूँ कि मेरा कोई एक गाना आप जरा गुनगुना के उसकी लाइन बता दो। लेकिन जिस तरह से कमोडिफिकेशन होता है वुमेन्स का, गानों में हो या फिल्मों में हो, तो आप कैसे देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? भोजपुरी इंडस्ट्री से अच्छी साफ सुथरी इंडस्ट्री किसी भी रीजनल लैंग्वेज की नहीं है, क्योंकि आज तक जो मैंने गाने बनाए हैं वो सारे गाने वो फैमिली के साथ उसको सुना जा सकता है, और उसका पिक्चराइजेशन, उसका वीडियो फैमिली के साथ बैठ कर देखा जा सकता है। तो भोजपुरी तो आज शिखर पर है, भोजपुरी का स्वर्णिम युग है, क्योंकि भोजपुरी अब और ना तो ये मीडिया से ये नहीं बता सकता, लेकिन हमेशा आरोप लगते रहते हैं जिसका आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। किसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं बताइए ना? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री उठता है तो सबसे ज्यादा उसमें होता है दुअर्थी गाने। अब वो एल्बम से होता है या सिनेमा से होता है, होता तो है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि हर शब्द का दो मतलब होता है, कोई भी शब्द ऐसा धरती पे बना ही नहीं जिसका एक मतलब है। तो सारे जब शब्द ही द्व्यर्थी हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको द्व्यर्थी में ले रहे हैं कि आप एक अर्थी में ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गाने को भी गलत तरीके से दिखाया जाता है, अगर आप कोई भी गाना देखिए, हर कोई इंडस्ट्री की तरफ से क्रिटिसाइज करता है, चाहे भोजपुरी एक्टर भी हो, बड़े बड़े एक्टर हो, वो कहते हैं, आप इंटरव्यू उठा के देखिए कि हमारे गाने कोई अश्लीलता नहीं है, तो इस तरह के वो लोग खुद मीडिया के सामने कहते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हर कोई इंडस्ट्री के लोग कहते हैं हर कोई फिल्म साफ सुथरी बना रहा है, तो अगर साफ सुथरी बना रहे हैं तो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं तो वल्गैरिटी है, नेशनल लेवल में भी है कि भोजपुरी में गलत तरीके से दिखाया जाता है। आप इसका जवाब मैं देता हूँ, इसका जवाब पहले उनको देने दीजिए, तो आप बात करें दीजिए, आप बोलिए, आप ले लीजिए, बोलिए। हाँ, फिर से सवाल पूछिए। मेरा कहना है कि एक खूबसूरत जवाब दे दीजिए जो सुने। बॉलीवुड बोलिए, सवाल एक बार दोबारा जानना चाहेंगे आपसे। मैंने ये कहना चाहता हूँ कि हर कोई भोजपुरी का एक्टर हो, हर कोई दावा करता है कि हमारी फिल्म साफ सुथरी है, तो इस तरह के हर कोई दावे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खराब फिल्में बन रही है, इसलिए तो हर कोई बोल रहा है कि हम नई फिल्में बना रहे हैं, अच्छी फिल्में बना रहे हैं, साफ सुथरे बना रहे हैं। तो वल्गैरिटी तो है भोजपुरी में, हर कोई मजाक उड़ाता है भोजपुरी का नेशनल लेवल में। अगर आप कोई भी फिल्म उठा के देखिए, हाल ही में हाफ गर्लफ्रेंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए, तो वहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा था भोजपुरी का। उससे पहले आप बद्रीनाथ दुल्हनिया में जाइए, भोजपुरी में तो कहीं ना कहीं उड़ाया तो जाता है, मजाक नहीं उड़ाया जाता। आप देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए, तब आपको मजाक उड़ाया जाता है, जिस तरह से भोजपुरी के गाने को लेके या मजाक देखिए। गंदगी
लोगों की सोच में, हम जिस तरीके से सामने वाले की वीडियो को और गाने को आप बोल रहे हैं कि अश्लील है, हमें तो ऐसा कोई भोजपुरी का ऐसा कोई भी गाना नहीं दिखा आज तक, खास करके मेरा बनाया हुआ कि जिसमें कोई भी किसी भी तरह की अश्लीलता हो, और देखने वाले की नज़र है वो जिस नज़र से देखे उसकी नज़र को सलाम। आइए रितेश जी से पूछते हैं इसके बारे में क्या कहना है। रितेश जी, अभी तक आप पूछ रहे थे, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि भोजपुरी के किस गाने में आप किसी हीरोइन को बिकनी में डांस करते हुए देखा? आपको मैं बॉलीवुड का हर तीसरा गाना दिखा दूंगा जिसमें हीरोइन बिकनी पे डांस करती है, अंडरवियर में चट्टी कर, वो अश्लील नहीं है आपकी नज़र में? क्यों नहीं आप उनसे पूछते हैं? भोजपुरी को हास्यास्पद आप बना रहे हैं, हम आप उनसे जाके पूछे कि आप चट्टी क्यों दिखाते हैं हीरोइनों का? हम तो पूछ रहे हैं, हमारा तो लहंगा होता है यहाँ तक ढका हुआ होता है, मैं तो बोल के बदनाम हूँ, वो करके बदनाम नहीं है। हम वहाँ पे भी सवाल उठाते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखें, भोजपुरी के हैं, हम भोजपुरी को खुद बदनाम ना करें। नहीं, मैं सभी मैं भोजपुरी से हूँ या ना हूँ उसके, लेकिन मेरा काम है क्रिटिसाइज करना। मैं क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, मैं हिंदी का भी हूँ तो मैं हिंदी में भी देखता हूँ, तो वहाँ पे भी बोलता हूँ, समझ सकता हूँ। पर आप एक बात को समझिए, हम लोग गंदा दिखाते नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा द्विअर्थी है। क्योंकि हाल ही में मेनका गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था, अच्छा, केंद्रीय मंत्री ने, कि नेशनल जो सिनेमा होते हैं वो अब्यूसिव होते हैं, जिससे समाज में महिलाओं का अपराध बढ़ रहा है। तो आपने अगर आपने देखा होगा, और रीजनल आपने बीए पास देखा है? हाँ, बीए पास रीजनल है। एंटरटेनमेंट देखिए, ये इंडस्ट्री है। आई एम टॉकिंग अबाउट सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड में भी अश्लीलता है, सब जगह बोलता हूँ, लेकिन हम पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हर ज्यादा ही बोला जा रहा है, ज्यादा नहीं, और आपके ही बड़े बड़े स्टार बोलते हैं, ज्यादा नहीं है बोल रहे। और हाँ, अगर आप, मैं आपको दिखा दूँ कोई एल्बम, और भोजपुरी में क्रिटिसिज्म को लगवाइए, हम लोग प्रयासरत है, आप भी प्रयासरत हुई है, भोजपुरी को मल्टीप्लेक्स में हम लोग लगवाए, क्यों नहीं फैमिली जाएगा? मैं देखता हूँ, क्यों नहीं, आप लोग प्रयासरत रहिए, हम लोग का ये दृढ़ संकल्प है कि हम लोग एक ना एक दिन भोजपुरी को मल्टीप्लेक्स में लगवाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू।